हम चाहते हैं वो और उनके ऑफिस में लोगों से पूछे, उनसे बात करें, कुछ पता करें। हम चाहते देखे पुलिस, हर एंगल से देखे, वो देखे कि वो ब्रिज के बाद क्या हुआ। इतना हड़े गायब हो जाए ऐसा तो होता नहीं है, तो कल को किसी के साथ भी कुछ भी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। हमारे भाई, हमारे सहपाठी, हमारे साथ पढ़ने वाले एक सीनियर चिकित्सक 10 दिनों से लापता है। किसी भी समय आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं, बिहार के अस्पतालों को हम ठप कर सकते हैं। वैज्ञानिक खोज जारी हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो, ताकि उनके गायब की का सही सही पता चल सके। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। NMCH के डॉक्टर संजय कुमार 1 मार्च की शाम से गायब है, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल पाई है, उनके परिवार को भी अब तक कोई अपडेट नहीं मिली है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। और आज IMA के जो डॉक्टर्स हैं IMA बिहार के, वो इस मामले को लेकर अपनी नाराज़गी जता रहे हैं और इसीलिए रोड मार्च पर आज वो लोग उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितने सारे डॉक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, सारे IMA बिहार के हैं। और डॉक्टर संजय कुमार के गायब होने के मामले में अब तक कोई अपडेट ना होने की वजह से इन लोगों की नाराज़गी जो है आज सड़कों पर निकल कर सामने आ रही है। इनसे बात करेंगे, डॉक्टर संजय कुमार की पत्नी है, चलिए सबसे पहले उनसे जानते हैं कि अब तक उन्हें क्या जानकारी दी गई है। डॉक्टर संजय कुमार को लेकर पुलिस की तरफ से आपको क्या कुछ अपडेट्स दिए जा रहे हैं? जी, वो अपनी जांच कर रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो सब जगह जांच करने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार से भी पूछ रहे हैं। हम चाहते हैं वो और उनके ऑफिस में लोगों से पूछे, उनसे बात करें, कुछ पता करें। आज डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट करनी पड़ी है सड़कों पर लेकर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, आगे फर्दर पुलिस को किस एंगल पे करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, तो इसे लेकर क्या कहें? जी, हम चाह वो डॉक्टर थे, जैसा सर ने बोला वो जान बचाते हैं लोगों की। हम चाहते देखे पुलिस, हर एंगल से देखे, वो देखे कि वो ब्रिज के बाद क्या हुआ, क्या हुआ उसके बाद, हमें कुछ जांच करनी है उसके बारे में, हम जानना चाहते हैं कि वहाँ से क्या। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि संकट की इस घड़ी में डॉक्टर संजय जो पिछले 12 दिन से लापता हैं, पूरे देश के 10 लाख डॉक्टर्स हमारे उनके साथ हैं। तो हमारा सरकार, बिहार सरकार से, बिहार के जो पुलिस व्यवस्था है, उन सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अभी अभी हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, जो हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा है अपने प्रतिनिधि के तौर पर कि बिहार के डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर संजय के लिए IMA का और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत रूप से पूरा समर्थन है। और हम सब, आपको बता दूं कि अटक से कटक से और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हम सभी जितने डॉक्टर्स हैं, हमारे मॉडर्न मेडिसिन के 10 लाख डॉक्टर्स देश में हैं और हम सरकार से, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो या कोई भी प्रदेश की सरकार हो, इन सबसे ये मांग करते हैं कि जान बचाने वाले की जान अगर खतरे में पड़ जाएगी तो हमारे चिकित्सक लोगों की जान की सुरक्षा कैसे करेंगे। इसलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार सबसे, मेरा निवेदन है, ये सिर्फ डॉक्टर सूर्यकांत का निवेदन नहीं है, ये पूरे, मैं समझिए कि लखनऊ से मैं चल के आया हूँ बिहार की आवाज़ बनने के लिए, इन सब की मजबूती के लिए, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर मैं ये मांग करता हूँ कि सबसे पहले डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देखिए, ये चिंता की बात है कि आज 12 दिन होने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, कोई, हम लोग चिंतित है, व्यथित है कि किस तरीके, किसी तरह से परिवार चिंतित है, सभी चिकित्सक समूह चिंतित है कि किस तरह से उनके बारे में स्पष्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो और जानकारी हमें उपलब्ध हो पाए। डॉक्टर्स ये भी यहाँ कह रहे हैं कि इसे अपहरण के मामले की तरह देखना चाहिए। जी, हर एक एंगल पर निश्चित तौर पर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कुछ कंक्रीट एविडेंस आना चाहिए। निश्चित ही बड़ा ही गंभीर विषय है। हमारे भाई, हमारे सहपाठी, हमारे साथ पढ़ने वाले एक सीनियर चिकित्सक 10 दिनों से लापता हैं और हम उनके सकुशल बरामदगी के लिए सारे उपाय कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाए हैं, सरकार से भी गुहार लगाए हैं, लेकिन हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन को एक थ्योरी निकाल करके किसी मनोहर कहानियाँ से उसी को चेपने के फेर में है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि सारे पहलुओं पर वो विचार करें, सारे पहलुओं को देखें और सारे पहलुओं को देख के हम अपने चिकित्सक की सकुशल बरामदगी चाहते हैं। डॉक्टर्स अब कह रहे हैं कि अपहरण की बात भी हो सकती है, पुलिस को वो एंगल भी खंगालना चाहिए। निश्चित ही अपहरण क्यों नहीं हो सकता है, आप किसी भी चीज़ को आप बंद कैसे करिएगा, अपहरण के भी चांसेस हैं, उस एंगल पर भी करिए। हम सकुशल बरामदगी चाहते हैं और पुलिस अपनी सक्रियता दिखाए और हमारे पूरे जो हमारे चिकित्सक समुदाय का, जो हम मरीजों की सेवा करते हैं, सेवा में ध्यान लगाएं। सड़क पर उतरना क्या हमें अच्छा लगता है? हम सड़क पर उतरना उछलना अच्छा लगता है? तो हम ये चाहते हैं कि सकुशल बरामदगी हो और उस बरामदगी के साथ ही हम सरकार के साथ ही हैं, लेकिन हम सरकार पर दबाव भी देना चाहते हैं हम कि किसी ढंग से हमारा चिकित्सक हमारे बीच में हमारा वापस आए,
चिकित्सक समुदाय पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में रोष में है, उसके ध्यान दें और सकुशल बरामदगी करें, सारे पहलुओं पर खंगालें। अगर ये जो रोड मार्च आज निकाली गई है डॉक्टरों के द्वारा, अगर ये भी कोई रिजल्ट्स नहीं देती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमें पूरा आशा है कि रिजल्ट होगा। बिहार पुलिस में काफ़ी क्षमता है और हम चिकित्सक को प्रेशर देने की भी काफ़ी क्षमता है। निश्चित ही वो इसकी बात की भी उद्भेदन होगा और वो सकुशल बरामदगी होगी कि हम लोग और एंगल्स पर अब काम करेंगे। तो और एंगल पर आप छोड़े हुए थे क्या कि आज ऐसा उन्होंने कर दिया है कि इवन हमको कई पत्रकारों ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब ये लग रहा है कि ये जो है आत्महत्या है। तो ये जब पत्रकारों के दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब पुलिस ने ऐसा माहौल बना दिया है कि उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी हमारे जो संजय जी हैं उनके बारे में कई संभावनाएं मौजूद हैं और पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए हम लोग आज पुलिस पर दबाव बनाने के लिए किए हैं। सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है, हम सरकार के इज्जत करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमारे उनके पत्नी को बुलाकर बहुत आश्वस्त किया है, DGP भी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन जिस ढंग से स्तर पर यह जाँच हो रहा है, ये जाँच से हम संतुष्ट नहीं है। मैं डॉक्टर सुधांशु हूँ, पूर्णिया से आया हूँ। बिहार के चिकित्सक बहुत ही सहनशील हैं। 12 दिन तक अपने साथी की गायबगी के बाद भी वे सहन शक्ति दिखा रहे थे, लेकिन अब उनकी सहन शक्ति टूट गई है। अब हम लोग कितना प्रतीक्षा करें? हम सरकार से मांग करते हैं कि वैज्ञानिक खोज जारी हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो, ताकि उनके गायबगी का सही सही पता चल सके और सही सही पता चल सके। हम लोग यही चाहते हैं उनकी जल्द से जल्द बरामदगी हो। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और नहीं बरामदगी होगी तो और हम लोग और संघर्ष तेज करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर संजय कुमार अब 10 दिनों से नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर्स को आज इसकी उनके मामले में जांच करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ गया। हाँ, ये बहुत हम लोग को मतलब इतना दिन हो गया है, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका पता चल जाए। ये तो नहीं है कि हम लोग मतलब कभी भी विश्वास करेंगे कि उन्होंने सुसाइड किया है। ये भी हम लोग नहीं जानते हैं कि उनके किडनैपिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये भी हम लोग नहीं कह सकते। मगर हम लोग किसी तरह उनको मिल जाना चाहिए। इट्स हाई टाइम जो उनका सही ये है अनुसंधान है वो होना चाहिए, ताकि हम लोग को भी पता चले कि आफ्टर ऑल कहाँ चले गए, क्या हो गया, जो सरकार का ही काम है ना। डॉक्टर्स तो इसमें कुछ नहीं, हम लोग का पूरा सहयोग है कि भाई जो भी हम लोग के साथ हो सही हो। डॉक्टर संजय को गायब हुए 10 दिन हो गए हैं, आज सारे डॉक्टर्स को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बिकॉज अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, कुछ तो पता चलना चाहिए कि कहाँ है, क्या है, क्या कोई भी चीज़ नहीं पता है। तो हम लोग उनके सकुशल वापसी के लिए कामना करते हैं और ये भी प्रोटेस्ट जो है उसी के लिए। मैम, डॉक्टर संजय कुमार को लापता हुए अब 10 दिनों से भी ज़्यादा हो गए हैं, डॉक्टर्स का गुस्सा जो है वो सड़कों पर दिख रहा है। नेचुरली, क्योंकि इतने दिन हो गए कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ये तो ऐसा होता नहीं है आज के समाज में कि कोई गायब हो जाए और इतना प्रतिष्ठित आदमी, एक डॉक्टर जिसको सब जा रहे हैं, दिन दहाड़े गायब हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो कल को किसी के साथ भी कुछ भी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। कल को किसी के साथ कुछ भी कोई मतलब ये तो ऐसी ही बात हो गई ना कि अब ये तो कहना मुश्किल है, बट एक मतलब मन में ये बात आती है, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है किसी के लिए भी। तो जो है रियलिटी सामने आए, अगर कुछ गलत हुआ है तो एकदम सामने आना चाहिए। नहीं, हम लोग यहाँ पे आए हैं फॉर द प्रोटेस्ट। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वी आर इन बिहार एंड वी हैव टू बी इन द सेफ एनवायरनमेंट। कोई डॉक्टर ऐसे कैसे किडनैप हो सकता है? घर से तो कोई गायब हो नहीं सकता है। एक डॉक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, ठीक है, घर से कोई गायब नहीं हो सकता। वी वॉन्ट जस्टिस। पुलिस कैसे गुमराह कर रही है ये समझिए कि कोई भी उनकी किडनैपिंग हुई गाड़ी से उतरे तो अभी तक जो खोजी कुत्ता है, खोजी कुत्ता पुलिस नहीं वहाँ पर प्रोवाइड कराई कि खोजी कुत्ता आखिर गाड़ी से उतरे होंगे तो उनका मोबाइल सूंघ के, उनका चश्मा सूंघ के, गाड़ी पर सीट सूंघ करके, गाड़ी का हैंडल सूंघ करके वो व्यक्ति कहाँ गया, ये अभी तक खोजी कुत्ता भी पुलिस ने नहीं लगाया है। और इसको आप लोग पुलिस को और सबसे मीडिया बंधुओं से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग DGP से पूछिए कि 12 दिन हो गया, कब तक आप ही रोना रोइएगा कि उनका जो है ना वो लपाता है या वो स्ट्रेस में थे। 12 दिन में तो पूरे हिंदुस्तान में खोजा जा सकता था।
देखिए ये चिंता की बात है कि आज 12 दिन होने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। कोई हम लोग चिंतित है, व्यथित है कि किस तरीके किसी तरह से परिवार चिंतित है, सभी चिकित्सक समूह चिंतित है कि किस तरह से उनकी बारे में स्पष्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो और जानकारी हमें उपलब्ध हो पाए। डॉक्टर्स ये भी यहाँ कह रहे हैं कि इसे अपहरण के मामले की तरह देखना चाहिए। जी, हर एक एंगल पर निश्चित तौर पर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कुछ कंक्रीट एविडेंस आना चाहिए। एक डॉक्टरों का सब्र का बांध टूट रहा है और हम लोग जो हैं जिला के अस्पतालों से लेकर और पेरीफेरी तक में जो है डॉक्टर काम कर रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना के विरुद्ध हमने लड़ाई लड़ी, हमारे कई डॉक्टर शहीद हुए और आज भी हम तैयार हैं, सरकार के साथ खड़े हैं काम करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टरों की सुरक्षा जो है पैबंद बिल्कुल एकदम बिल्कुल शून्य है, डॉक्टर बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती पुलिस प्रशासन के द्वारा। दो दो एक्ट बना, 2013-11 में एक एक्ट आया, 2014 में एक्ट आया डॉक्टरों को सुरक्षा के लिए, लेकिन इस पर कोई प्रभावी कार्यक्रम नहीं होता है। वर्तमान जो घटना हुई है डॉक्टर संजय का, उसमें भी सरकार एक तरीके से पुलिस प्रशासन डॉक्टरों को गुमराह कर रही है, पूरे बिहार के लोगों को गुमराह कर रही है और यही स्थिति रही तो डॉक्टरों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हम किसी भी समय आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं, बिहार के अस्पतालों को हम ठप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि डॉक्टर संजय कुमार के गायब होने के बाद अब पुलिस प्रशासन से किस तरीके से मांग उठा रहे हैं, साथ ही साथ क्या क्या शिकायतें भी सामने रख रहे हैं, जांच किस पहलू पे की जानी चाहिए इसे लेकर भी डॉक्टर्स ने बात की। तमाम बातें आपने सुनी, लेकिन बड़ी बात है कि ये भी कह दी गई है कि अगर इस मामले पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल भी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि डॉक्टर्स के इस तरीके के प्रोटेस्ट के बाद अब इस मामले में आगे क्या प्रोग्रेस होती है, क्या कुछ अपडेट सामने आती है। बाकी की वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।